country's government supporting such ludicrous behavior? Well, the answer is yes. And that country is none other than but the land of the rising sun, Japan. Yes, Japan has urged its citizens to drink more. Interesting, right? And for this sake, Japan has launched its campaign Sake Viva. Sake refers to any sort of alcoholic drink in Japan. And इस कैंपेन का सिंपल सा फंडा ये है कि जापान चाहता है कि वहाँ के लोग ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करें। अब ये सब सुन के इंडियंस विल डेफिनेटली बी लाइक रख तेरी माँ की रख। क्योंकि इंडिया में तो ऐसे कैंपेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो लोग स्टॉक भर भर के पीते हैं। एनीवेज, तो इस कैंपेन के थ्रू जापान ने अपने यंगस्टर्स बेसिकली 20-39 ईयर्स ऑफ एज वालों को इनवाइट किया है कि वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आएं अल्कोहल की सेल बढ़ाने के लिए। बट ऐसा मेजर लेने की ज़रूरत क्या थी? वेल, आजकल जापान के लोग अपनी वेलबींग को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। एंड इस अवेयरनेस के चलते लोगों ने अपने अल्कोहल कंजम्पशन पर कंट्रोल भी कर लिया है, which leads to reduced collection of revenue from alcohol sales. Recent data shows that Japan's liquor tax collection has been reduced from 5% in 1980 to only 1.9% in 2020. And this has affected Japan's economy in an adverse manner. Iske kai sare reasons hain. Japan has one of the most oldest population in the world and wo kafi shrink ho rahi hai. Health awareness, अपनी वेलबींग का ध्यान रखना जापान में एक ट्रेंड बन चुका है। कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से सेल्स में काफ़ी गिरावट हुई एंड वहाँ के कंजम्पशन पैटर्न में भी काफ़ी ड्रामेटिक शिफ्ट आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सब वर्थ इट है? क्या जापान को अल्कोहलिज्म को प्रमोट करना चाहिए? क्या उन्हें नहीं लगता कि इस मूव से उनके यूथ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है? अपार्ट फ्रॉम दैट, ये इशू क्रिएट करता है एक टसल बिटवीन हेल्थ वर्सेस इकोनॉमी। क्या जापान के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना उसके सिटीजन्स की हेल्थ और वेलफेयर से ज़्यादा सुपीरियर है? स्टेट्स लाइक नागालैंड, बिहार, गुजरात एंड मिजोरम हैव फेस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल कंजम्पशन एंड हियर जापान इज मूविंग इनटू एन ऑल टुगेदर ऑपोजिट डायरेक्शन, रिफ्लेक्टिंग द कल्चरल डिफरेंसेस दैट वी हैव। एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इफ वर्ल्ड इज अ बार, देन मोस्ट प्रोबेबली जापान इज अ बारटेंडर। By the way, do you know what hangover is called in Japan? Well, it's called futsukayoi, and that is something that Japanese government definitely wanted people to have. Thanks for watching.